श्री बागेश्वर धाम सरकार गुरुदेव के परम सानिध्य में आयोजित श्री राम कथा में पधारे समस्त श्रद्धालुओं एवं क्षेत्रवासियों का भाजपा जिला अध्यक्ष गौरव सिरोटिया की ओर से हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन। यह भीड़ नहीं, सैलाब नहीं, सनातन की ललकार है। श्रद्धालु एक साथ बोले, बागेश्वर महाराज की बीना में यह ललकार है। सनातन धर्म के पद चिन्हों पर चलकर धर्म का पताका करने वाले हनुमान भक्त बागेश्वर सरकार के चरण सेवक पंडित धीरन कृष्ण शास्त्री के दर्शनों के लिए उमड़ी यह भीड़, बुंदेलखंड धरा की नई कहानी और इबारत लिख रही है। आज से बागेश्वर महाराज जी की मध्य प्रदेश के सागर के बीना में 9 दिन तक राम कथा शुरू हो चुकी है। उससे पहले जो कलश यात्रा और महाराज जी के स्वागत में बीना की धरती पर भीड़ उमड़ी, उससे पहले इस धरा में ऐसी भीड़ न किसी ने देखी थी न ही सोची थी। किसी ने कहा है कि एक भीड़ जो किसी को देखने किसी को सुनने आ रही है, उस भीड़ के मुंह से निकली हवा की यह धुंध यहाँ छा रही है। महाराज बागेश्वर जी की 9 दिन कथा होनी है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, 44 डिग्री का टेम्परेचर है, भीषण गर्मी है, लेकिन श्रद्धालु कहते हैं कि दिल है कि मानता नहीं। आज धर्म का हास हो रहा है, वर्ग संघर्ष शुरू हो गया है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म को एक करने वाले लोग ऐसे संत ही इस समाज से वर्ग संघर्ष को खत्म करेंगे, साथ ही हिंदू धर्म की एक नई चेतना का भी यही संत आगाज करेंगे। जो अच्छा है उसको अच्छा कहने की आदत होनी चाहिए, जो पाखंडी और बुरा है उसको बुरा कहने की भी ताकत होनी चाहिए। बहरहाल यह भीड़ और जन सैलाब इस बात का संकेत दे रहा है कि हिंदू धर्म के नाम पर अब एक हो रहा है। पुष्पेंद्र राजपूत, सागर एक्सप्रेस न्यूज़, पीना।